हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर, यूनिट टू, चेक योरसेल्फ। स्टूडेंट, आज हम आपको यूनिट टू का चेक योरसेल्फ कराने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे और देखेंगे, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट, जो भी आपको खाली स्थान दिए गए हैं इन्हें फिल करने हैं, यानी कि इन्हें भरने हैं। जो भी ये ब्लैंक्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको जो भी नंबर या डिजिट आएगी उसे आपको फिल करना है, ठीक है जी। ए स्टूडेंट, पहले सबसे पहले आपको इनकी हिंदी अच्छी प्रकार समझ लेनी चाहिए। अगर आपको इनकी हिंदी समझ में आ गई तो आप इन्हें भर सकते हैं। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आएगी, आप रटेंगे कि भैया वी आएगा या एक्स आएगा, तो आप उसे भूल जाएंगे, ठीक है जी। द सिंबल सी, जो चिन्ह सी है, कैन बी सब्ट्रैक्टेड, है जी। सी को घटाया जा सकता है फ्रॉम माने से, यानी कि सी को किस किस जो कौन कौन से ऐसे न्यूमरल है स्टूडेंट जिनमें से हम सी को माइनस कर सकते हैं, यानी कि उसे घटा सकते हैं, ये पूछा गया है ना। तो किस में से घटा सकते हैं आप सी को? सी को आप एक तो स्टूडेंट डी में से घटा सकते हैं। डी का मतलब 500। ओके स्टूडेंट, अरे एम में से माइनस कर सकते हैं। दो ही रोमन न्यूमरल होते हैं स्टूडेंट जिनमें से आप सी को माइनस कर सकते हैं। अगर आप डी से पहले सी लिखेंगे तो स्टूडेंट 400 हो जाएगा, माइनस हो गया, है ना। अगर आप एम से पहले सी लिखेंगे तो स्टूडेंट 900 हो जाएगा। इनके 1000 था, 1000 में से आप 100 माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा 900। डी का मतलब 500 हो, 500 में से आप 100 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 400। ओके स्टूडेंट, तो सिंबल सी जो है वो सिर्फ डी और एम में से ही माइनस होता है स्टूडेंट, याद रखिए। आप इसे एल में से या और जो नंबर है वी में से उनमें से माइनस नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो क्लियर हो गया। अब बी वाला क्वेश्चन, ईच ऑफ द सिंबल्स, प्रत्येक सिंबल यानी कि आई एक्स सी और एम, ये चार सिंबल्स हैं स्टूडेंट, आई एक्स सी और एम, इज नेवर रिपीटेड मोर देन 3 times। स्टूडेंट, हम इन जो रोमन नंबर है हमारे पास, रोमन न्यूमरल जो होता है वे 7 होता है स्टूडेंट, उन 7 में से जो ये 3 होता है, ये 4 होता है, आई एक्स सी एम, जो ये 4 न्यूमरल होता है स्टूडेंट, हम इन्हें 3 times रिपीट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि रोमन नंबर में रूल्स क्या होता है, रूल होता है कि कोई भी रोमन नंबर 3 times से अधिक रिपीट नहीं हो सकता, है ना, 3 times से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। और एक्स आई एक्स सी एम यही नंबर है, ये 4 numbers ऐसे होते हैं जो 3 times रिपीट होते हैं, इससे ज़्यादा ये भी रिपीट नहीं होने के। ओके स्टूडेंट, कितने टाइम स्टूडेंट? 3। तो आप यहाँ लिखेंगे मोर देन 3 times, नेवर रिपीटेड, नेवर माने कभी नहीं, यानी कि 3 times से ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आप एक्स लिखते हैं एक्स एक्स एक्स, तो 3 times होगा। अगर आप 4 times एक्स लिख देंगे तो ये स्टूडेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि 40 ऐसे नहीं बनता, 40 ऐसे बनता है। तो रोमन नंबर पे ये सारे जो भी नंबर दिए गए हैं आई एक्स सी और एम जो रिपीट होता है, ये 3 times से ज़्यादा रिपीट नहीं होते, ठीक है जी। अब सी वाला, आई इज एडिड टू, है आई को हम ऐड कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट,
और घटा सकता है फ्रॉम माने से, इसमें से घटा सकता है स्टूडेंट हम आई को। आई को हम एक तो बी में से माइनस कर सकते हैं, है ना, और स्टूडेंट हम एक एक्स में माइनस कर सकते आई, है ना, वी और एक्स। ठीक है जी, देखिए जैसे ये वी है, हम यहाँ आई लिखेंगे 4 हो जाएगा, ये एक्स है हमने यहाँ लिखा तो ये 9 हो जाएगा। स्टूडेंट ऐसा वो नहीं कर सकते ना कि एल से पहला ही लिख दें तो ये गलत होगा। तो स्टूडेंट जो आई होता है वो हमेशा वी और एक्स में से ही माइनस होगा, और जो एक्स है वो हमेशा एल और सी में से ही माइनस होगा, और जो सी है वो हमेशा बी और एम में से ही माइनस होगा। आप इस बात को याद रखिए, ठीक है। अब द सिंबल आर नेवर सब्ट्रैक्टिव, ये सिंबल स्टूडेंट कभी भी माइनस नहीं होते। कौन कौन से ऐसे सिंबल है जिन्हें हम माइनस नहीं कर पाते स्टूडेंट? एक वी है और एक एल है, तो ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, यानी कि कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते भाई जैसे सी से पहला एल लिख दो, है ना, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। सी में से हम हमेशा एक्स एक्स को माइनस करेंगे, ठीक है जी, या एम में से एल माइनस कर दो, तो ये भी गलत है, रूल ही नहीं है स्टूडेंट। आप इनके रूल पढ़िए रोमन नंबर के, हमने जो वीडियो बनाई थी, जो पहली वीडियो थी रोमन नंबर वाली जिसमें हमने इसके रूल बताए थे, तो आप उन्हें एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ें स्टूडेंट। एक बात हो रही है, कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वे रोमन नंबर को ऐसे लिखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट, ऐसे लिखेंगे ऐसे, और फिर उनके ऊपर एक लाइन ऐसी खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो स्टूडेंट ये जो मेथड है ये बहुत ही गलत है, आप ऐसे मत करें, ऐसे मत करें, ये ऐसे ऐसे कर देते हैं तो वो तरीका गलत है लिखने का। क्यों गलत है देखो हम आपको बताते हैं। जो ये लाइन आपने इस तरह की ड्रा कर दी जिसका कोई मकसद ही नहीं है, तो देखिए जो ये लाइन होती है इसे हम बार बोलते हैं, अगर ये किसी के ऊपर ड्रा होती है तो ये बार कहलाती है। मान लीजिए जैसे वी है, वी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 5 होता है। हम आपको पूरे प्रूफ के साथ बताना चाहते हैं कि आपको ये क्यों नहीं खींच लाइन ड्रा करनी चाहिए इस प्रकार। तो स्टूडेंट अब ये वी है, अगर आप इसके ऊपर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं यानी कि एक बार बनाते हैं, है ना, तो स्टूडेंट इसका मतलब हो जाएगा 1000, है ना, तो ये 5000 बोला जाएगा, है ना। अगर आपने 25 लिखा और आपने इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दिया इसका, तो स्टूडेंट ये 25000 हो जाएगा, है ना। अगर आप ऐसे ही लाइन ड्रॉ करते रहते हैं, कुछ भी करा, 1 बनाया उसे भी ऐसे लाइन खींच दी, फिर ऐसे खींच दी, यानी सब ऐसे बनाते हुए चले गए, तो ये रोंग मेथड है। आप देख लीजिए कहीं भी बुक में देखिए, आप कहीं भी रोमन नंबर जहाँ पे भी लिखे हुए हैं वहाँ पे देखिए, आप कहीं पे भी ये लाइन ड्रॉ नहीं है, ये लाइन ड्रॉ नहीं है, तो इसलिए आप ये लाइन ड्रॉ मत करिए, ठीक है जी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, कहने के बावजूद भी नहीं मानते, फिर भी लाइन ड्रॉ करते ही है, ठीक है जी। तो आप ध्यान रखें कि ये लाइन ऐसे ड्रॉ मत करें, क्यों ना करें वो हमने आपको समझा दिया क्यों ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया जी आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टूडेंट आपको ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन्हें बताना है कि आपको ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके स्टूडेंट, आपको ऐसे याद नहीं करना कि भाई ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स या फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो इस तरह अगर आप याद करेंगे और इनका क्रम चेंज हो जाता है किसी कारण पेपर में, तो फिर आप के नंबर नहीं मिलते।
तो आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए अगर हमारा कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो वो क्यों ट्रू है, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ओके, तो आपको ये जरूर पता ही होना चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन होता है वो समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है जी, तो देखिए क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन। द रोमन न्यूमरल 447 इज एल वी आई। तो स्टूडेंट ये कह रहा कि जो रोमन नंबर है 47 है, 47 में रोमन नंबर में ऐसे लिखा जाता है 47, है ना। रोमन न्यूमरल 447 इज, यानी कि 47 के लिए जो रोमन नंबर है वो ये है, है ना स्टूडेंट, ये 47 है। अब हम इसे यहाँ रीड करके देखेंगे, पढ़ के देखेंगे क्या ये वास्तव में 47 है, क्योंकि हम तो रूल आते हैं, है ना। तो एल का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, 50 और प्लस ये 5 है, 5 से पहले अगर हम कोई छोटी डिजिट लिख रही यानी कि 1 लिख रहा तो इसमें से माइनस हो गया पढ़ा जाएगा, तो ये स्टूडेंट कितना होगा 4, तो ये कितना होगा जी 44। तो 47 में रोमन 47 रोमन नंबर में स्टूडेंट ऐसे नहीं लिखा जाता। अगर हम लिखेंगे 40 तो 40 तो ये होगा, और 7 का 5 6 7, तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे तो 44 लिखा जाता है, है ना। तो ये रोंग है, तो आपको अब बताने की आवश्यकता नहीं हुई कि भाई ये क्यों रोंग है और क्यों राइट है, आप समझ चुके होंगे कि भाई ये क्यों रोंग है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे एफ लिख देंगे, तो ये फॉल्स है। ठीक है जी, अब 89 कैन बी रिटन इन, 89 कैन बी रिटन रोमन न्यूमरल एस ये, है ना। 89 को रोमन नंबर में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये कहा है इसका। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्या इस प्रकार हम रोमन नंबर में लिख सकते हैं। तो पहले हम 89 को ही देख लेते हैं, अगर किसी भी नंबर को रोमन न्यूमरल में लिखना तो हम स्टूडेंट पहले उसे एक्सपेंडिंग फॉर्म में करते हैं। तो ये 80 होगा, ये 9 होगा। 80 की स्पेलिंग हमारे पहले से याद है एल एक्स एक्स एक्स, और 9 की एक्स से पहले आई लगाएंगे, तो स्टूडेंट ये हो गई। अब मैच कर लीजिए क्या ये और ये दोनों एक हैं जो इन्होंने दी, तो एल एक्स 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 80 और ये 9 होगा, तो स्टूडेंट ये सही है ना। तो हम यहां पे टी लिख देंगे, तो ये ट्रू है। ठीक है जी, अब रोमन यूज्ड ओनली 8 सिंबल फ्रॉम द नंबर्स। स्टूडेंट ये कह रहा है कि रोमन नंबर में 8 चिन्ह 8 नंबर होता है जिनका हम प्रयोग करते हैं, है ना। हमने आपको स्टूडेंट पहले भी कई बार आपको बताया है कि रोमन नंबर में 7 सिंबल्स होते हैं, 7 न्यूमरल्स होते हैं जिनसे ये बनता है, है ना। तो स्टूडेंट ये फॉल्स है, याद रखें 7 होते हैं 8 नहीं होते। और कौन कौन से होता है स्टूडेंट 7, एक बार हम आपको रिपीट करा दें, आई वी एल सी डी एम 1 2 3 4 5 एक्स रह गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7। ओके स्टूडेंट, तो ये 7 सिंबल है, आप याद रख सकते हैं जो जिनसे रोमन नंबर बनते हैं, बार बार ये रिपीट होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब डी, द रोमन डिड नॉट हैव एनी सिंबल फॉर 0।
स्टूडेंट डिड नोट हैव का मतलब होता है नहीं रखता है या नहीं होते हैं, है ना। रोमन नंबर में जीरो के लिए कोई भी सिंबल, कोई भी चिन्ह नहीं है। तो ये बताना आपको ये बात सही है या गलत है। तो स्टूडेंट आपने कभी नो रोमन नंबर में जीरो के लिए कोई सिंबल कभी यूज किया है ना, तो आप कहेंगे भाई नहीं, तो नहीं कहेंगे तो ये बात इसकी ट्रू है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि रोमन नंबर में जीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं है और ये स्टेटमेंट जो है वो सत्य है, ट्रू है। ठीक है जी, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर टू था, ये कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, मैच द फॉलोइंग न्यूमरल्स। स्टूडेंट इधर एक साइड तो दिए गए हैं आपको रोमन न्यूमरल, एक साइड दिए गए हैं इंडो अरेबिक नंबर। ओके स्टूडेंट, आप इन दोनों को मैच करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए आप इन्हें रीड कीजिए, 50, 60, 70, 80, 85, 86, 87। ये यहाँ पे तो स्टूडेंट 88, तो ये 88 है जी। तो आप देखिए अब इधर पे आपको 88 दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, तो ये रहा जी 88। तो आप ए को 6 से मैच करेंगे, तो आप अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे आप, तो लाइन ड्रॉ करने में स्टूडेंट कभी कभी पता नहीं चल पाता कि कौन सी लाइन कहाँ पे चली गई, है ना। तो इसलिए हम आपको ऐसे मैच करवा रहे हैं। अब ये क्या है जी 80, एल का मतलब कितना होता है 50 और एक्स का मतलब 10, तो कितने हो गए स्टूडेंट 60, 70, एल वी का मतलब 5, 75 और 1 6, आई का मतलब 6, तो स्टूडेंट कितने हो गए 76। और 76 क्या है जी थर्ड नंबर पे है, तो हम बी पे लिख देते थर्ड। अब सी वाला, एल का मतलब 50, बी का 5, तो कितने हो गए 55 और 1 6, 56, तो स्टूडेंट फोर नंबर पे लिख रहा 56, तो हम सी पे यहां लिख देंगे सी। अब एक्स है, एल है, एल से पहले एक्स है तो इसमें से माइनस होकर पढ़ा जाएगा 40 होगा, और आई का मतलब 1 होता है 41 42, और तो 42 है जी पहले वाले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम डी लिख देंगे। अब सी का मतलब 100 होता है, उससे पहले एक्स है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, 100 में से 10 गए 90 और ये 5 है, तो 95 हो गया और 95 सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे ई लिख देंगे, ठीक है जी। अब एल, एल से पहले कितना लिखा है एक्स, तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, 5 से पहले 1 लिखा हुआ है तो ये 4 हो जाएगा, तो 44 हो गया स्टूडेंट। और ये कौन से नंबर पे लिखा हुआ है फिफ्थ पे, तो हम यहाँ पे फिफ्थ को, एफ को हम फिफ्थ से मैच कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपका, क्वेश्चन नंबर 4, टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन है, तो उस पर आपको टिक का निशान लगाना है जो भी करेक्ट है। 24 कैन बी रिटन इन रोमन न्यूमरल एज, तो स्टूडेंट जो 24 होता है रोमन नंबर में इस प्रकार लिखा जाता है, 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है। तो स्टूडेंट पहले आप रोमन नंबर में 24 लिख के देख लीजिए, तो एक्स एक्स 20 हो गया, और ये वी, वी से पहले अगर हम आई लिखेंगे तो 4 हो जाएगा,
तो स्टूडेंट ये 824 है, आप देख लीजिए आप ये वाले डिजिट कहाँ पे है। तो जी ये रही, देखो एक्स एक्स वीक से पहले आई तो फोर हो गया, तो यही है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने पहले वाले ऑप्शन को राइट कर दिया, सभी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या कह रहा जी, 100 माइनस 10, 100 में से 10 माइनस करिए और रोमन नंबर में बताइए आंसर क्या आएगा। तो स्टूडेंट आप जानते हैं अगर आप 100 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 90 बचेगा, है जी। अब 90 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, सी का मतलब 100 होता है और एक्स का मतलब 10, तो एक्स से पहले अगर हमने 10 लिख दिया तो इसमें से माइनस होकर पड़ा गया, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 90। आप देख लीजिए 90 है क्या कहिए, तो स्टूडेंट देखिए एक्स सी और ये 9 हो गया, 99 है तो ये तो नहीं है, अब ये एक्स सी है, ये 90 है स्टूडेंट, ये वाला ऑप्शन सही है, सही है, ठीक है जी। अब सी वाला 30 + 5 + 2, तो स्टूडेंट ऐसे ऐड कर लेंगे 30, 5 और 2, तो स्टूडेंट कितने हो गए 37 हो गए। अब 37 को रोमन में कैसे लिखेंगे, एक्स 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 और वी का मतलब 5 और आई आई, तो स्टूडेंट ये कितना हो गया 37। अब देख लीजिए कहाँ है, तो स्टूडेंट ये लिख रहा 37, अच्छा इन्हें रोमन में नहीं लिखना था स्टूडेंट, इनके सिर्फ नंबर में ही देखना था, इन्हें रोमन न्यूमरल में नहीं देखना, तो ये 37 हो गया क्योंकि इनके आंसर रोमन में नहीं थे, हिंदू अरबी नंबर में ही थे। ओके स्टूडेंट, अब 90 + 10, तो स्टूडेंट यहाँ करके देख लीजिए ये 90 है ये 10 है, तो स्टूडेंट कितना हो गया 100 हो गया। तो आप देख लीजिए इसे रोमन में देखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि जो इसके ऑप्शन है वे हिंदू अरेबिक नंबर में है, तो स्टूडेंट ये रहा 100 फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है जी। तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो स्टूडेंट चेक योर सेल्फ आपका कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ ही आपकी जो यूनिट 2 है वो भी कंप्लीट हो गई। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी लार्ज नंबर की होगी, तो स्टूडेंट पहले हम उसे उसके बारे में आपको समझाएंगे पढ़ाएंगे पहली वीडियो में, और दूसरी वीडियो में हम आपको उसके जो बुक वर्क एक्सरसाइज है वे कराएंगे। ओके स्टूडेंट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।